हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मगन और आप देख रहे हैं एमटी क्रेक सॉल्यूशन। दोस्तों आज मेरे पास एक मोबाइल है जिसको बाई 20 ये कहते हैं, और हम आज आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि इसके वीवो के जितने भी सारे मॉडल हैं उनका FRP आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे जो नए दोस्त हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और जो हमारा वीडियो नए लोग देख रहे हैं उनसे हमारा रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर बजा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें FRP लगा हुआ है, और आप लोग जैसा देख ही चुके होंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक जो सभी लोग ट्रिक यूज करते हैं वो दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे माइक का फंक्शन यूज नहीं कर रहा है, तो आप लोगों को क्या करना है, और ये माइक का डेनी फंक्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको 3 बार क्लिक करना है जिससे आपको वो ऑप्शन प्राइवेसी वाला मिल जाएगा। दोस्तों क्या करना है, यदि आपका ये फंक्शन आ रहा है तो आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं, और क्लियर डाटा से लेके क्लियर कैच दोनों ही करना है तभी ये ऑप्शन आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च कर लेता हूँ सेटिंग, और आपको दिखाता हूँ कि सेटिंग वाला जो यहाँ पे ट्रिक है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, और हम किसी तरीके से आपको हर फंक्शन को खोल के दिखाएंगे जिससे आपको ये ना लगे कि मैंने इसमें कुछ छोड़ दिया है। तो मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे देखते हैं, इसे भी क्लिक करके देखते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिससे कि हमारा सेटिंग ओपन होगा। और आइए देखते हैं, यहाँ अपडेट ऑप्शन वाला भी दिखाएंगे, यहाँ से भी नहीं होना है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम ओके करते हैं तो यहाँ पे अपडेट मांगेगा, बट यहाँ से होना कुछ नहीं। तो चलिए हम वापस चलते हैं और दोबारा से सेटिंग ऑप्शन पे बैक जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अभी दोस्तों हम आपको यहाँ टाइप करेंगे एप्स और एप इन्फो पे जाएंगे दोस्तों, और एप इन्फो पे जाने के बाद में हमें दोस्तों एक अपना ब्राउजर ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों मैंने एप इन्फो पे चले गए, और अब एप इन्फो पे जाने के बाद में यहाँ ओके कर देते हैं और चले जाते हैं सबसे नीचे, जिस पे हमें लोगों को, हम सब लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब। तो दोस्तों यहाँ से हम इसे यूट्यूब को ओपन कर लेंगे, और यूट्यूब को ओपन करने के बाद में हम, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को दिख रहा है मैंने यूट्यूब पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में प्राइवेट नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन पे जा एडवांस पे क्लिक करेंगे, और एडवांस पे जाने के बाद अबाउट पे क्लिक करेंगे, अबाउट के बाद यूट्यूब टर्म्स ऑफ कंडीशन पे कैसे क्लिक करेंगे। तो हमें यहाँ पे अपना क्रोम ओपन कर लेना है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्रोम ओपन हो जाता है, और क्रोम ओपन हो जाने के बाद में हम यहाँ पे एक साइड लिखेंगे FRP फाइल बाईपास। तो जैसे दोस्तों मैंने FRP फाइल बाईपास लिखते हैं, तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ FRP फाइल बाईपास, और हम सबसे ऊपर वाली साइड को यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम चले जाते हैं, एक जो अभी तक कई फ़ोनों में जो काम कर जाता था ट्रिक जो ये पासवर्ड वाला, तो यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, पैटर्न भी यहाँ डाल देते हैं और दोबारा फिर डालते हैं, लेकिन ये ट्रिक कभी काम करने वाली नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए दोस्तों अपने चले जाते हैं, यहाँ से सीधा सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देखते हैं कि हमारा ये ट्रिक काम किया या नहीं किया। दोस्तों ये सेटिंग ओपन हुआ, और सेटिंग के बाद में हम चले जाते हैं सिक्योरिटी सेटिंग पे, जिससे हमें ये पता चले कि जो अभी मैंने पैटर्न लगाया है वर्क कर रहा है या नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे स्विफ ही आ रहा है, अर्थात ये वर्क नहीं किया। तो अभी हम चले जाते हैं बैक, और बैक के ले जाने के बाद में दोबारा से हम दोबारा यहाँ पे वही कंडीशन को क्लिक करते हैं, और चले जाने के बाद में फिर वही लिख लेते हैं FRP फाइल बाईपास। FRP फाइल बाईपास में जाने के बाद में दोस्तों हम उसी सेटिंग पे दोबारा से फिर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इस बार हम दोस्तों करेंगे गूगल बॉक्स को, क्विक सर्च बॉक्स को ओपन कर लेंगे। जैसे ही क्विक सर्च बॉक्स को ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे दोस्तों उसे ओपन करने के लिए ऑप्शन आएगा, और
यहाँ पे दोस्तों एक आपको बता दें वी, और इस पर जैसे ही टाइप करेंगे तो वी स्टोर यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ अलाउ कर देते हैं, एग्री कर देंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद में दोस्तों हम इसे ऑटो अपडेट ओवरराइड पे क्लिक कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं क्विक शॉर्टकट। तो जैसे क्यू यू डालेंगे उससे ऊपर आएगा आपका क्विक शॉर्टकट, और यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और दोस्तों इंस्टॉल करने के बाद में हम इसे ओपन करेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान सा तरीका हम आपको बताएंगे, जो कि जितने भी मॉडल हैं सभी में ये वर्क करने वाला है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे डाल देते हैं फैक्ट्री टेस्ट। तो चलिए दोस्तों फैक्ट्री टेस्ट एक ऑप्शन हम आपको डाल देते हैं, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत आसानी, और वीवो का कोई भी मॉडल हो बड़ा आसानी से दोस्तों हो जाता है FRP बाईपास। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फैक्ट्री बाईपास। फैक्ट्री लिखने के बाद में दोस्तों टेस्ट लिखना है, रिसेट नहीं लिखना है। फैक्ट्री टेस्ट जैसे लिखेंगे यहाँ पे जो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन है क्लिक करेंगे, और सॉरी दोस्तों शायद हमारा चौथे ऑप्शन क्लिक हो गया, ये देखिए दोबारा बैक जाएंगे। और बैक जाने के बाद दोबारा तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों अभी हम बैक चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। तो अभी दोस्तों बैक चलने के बाद दोबारा से तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इंजीनियरिंग टेस्ट पन पर। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों हम अब चले जाते हैं तीसरे वाले, इस साइड से स्क्रॉल करेंगे और तीसरे वाले पे जाएंगे, उसके बैक टू होम पे चले जाएंगे, इंटीजर टू होम इंग्लिश। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों क्लिक करेंगे हमारा फ़ोन अनलॉक मोड में चला जाता है। तो देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ट्रिक था, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग MT क्रेक सॉल्यूशन। लेटेस्ट वीडियो के देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।